नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए और आपके संबंधी जो ये समस्याएं सभी की समान है दोस्तों, कोई छोटा हो या बड़ा। अगर आपको इससे कुछ लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संगीत के माध्यम से आप अपना मानसिक स्थिति, और मानसिक स्थिति सुधरेगी तो शारीरिक स्थिति ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी दोस्तों। इसी संबंध में हम बात करेंगे। धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य। सबसे ज़रूरी बात होती है कि हम स्वस्थ रहें तभी कुछ भी संभव है। अगर हमारा शरीर ही रोगी है तो फिर हम कुछ या पढ़ें, खेलें, कुछ भी करें, वो उतनी ऊंचाइयों से नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज़रूरी होता है हमारा स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य में आजकल बीमारियां आ रही हैं, भोजन से संबंधित बीमारियाँ। पहला तो हमारा दिमाग है जिसको स्वस्थ रखना है, दूसरा हमारा पेट। तो पेट को स्वस्थ रखने के लिए नियमित प्राणायाम है, उचित संतुलित आहार है जिसके माध्यम से हम पेट को स्वस्थ रखेंगे। दूसरा दिमाग, जब विचार कुछ और होते हैं, आदमी कर कुछ और रहा होता है, दिक्कत तब होती है कि नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे विचार और हमारे कार्य सेम रहे। तो आज मैं कुछ डेटा बताना चाहता हूँ आपको। पश्चिम देशों में कहते हैं कि हर तीसरा व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, और हम लोग ही पश्चिम की नकल करने के चक्कर में वही स्थिति भारत में आ रही है। कोई ना कोई, या बच्चा हो या बड़े हो या बुजुर्ग हो, सब कहीं ना कहीं से बीमार है मानसिक रूप से। तनाव, डिप्रेशन, रक्तचाप, बीपी, अनिद्रा, ये विभिन्न बीमारियां हैं। तो इन सब की एक बहुत प्राचीन थेरेपी है, लेकिन शायद हम सब लोगों के संज्ञान में नहीं है, जिसको कहते हैं शास्त्रीय संगीत, म्यूजिक थेरेपी। हम आसपास अपने म्यूजिक भी सुनते हैं, तो म्यूजिक जैसे कि शादियों में एकदम डीजे म्यूजिक का प्रचलन है, जो पूरी तरह से बकवास है दोस्तों, है ना। कोई भी ध्वनि हो, जब कर्णप्रिय नहीं होती तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, और वह हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को पूरी तरह से क्षति पहुँचाती है। तो शास्त्रीय संगीत की बात हम कर रहे हैं, जो कि हमारी प्राचीन सभ्यता भी रही है, और इसका उपयोग कर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मुख्य रूप से मानसिक स्वास्थ्य, जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तो हम कुछ भी करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए कई राग होते हैं, राग और ताल के कंपाउंड को हम शास्त्रीय संगीत के रूप में जानते हैं, और इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के राग हैं दोस्तों। सुबह के लिए अलग राग है, दोपहर के लिए अलग राग है, सायंकालीन अलग राग है, रात्रि में अलग राग है। तो जिसका उपयोग करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि कुछ रागों के नाम मैं यहाँ पे लिखा हूँ, नोट डाउन किया हूँ, कि अगर सिर दर्द है किसी को तो वहाँ पे हम राग भैरव, अनिद्रा तो भैरवी, रक्तचाप है तो राग भूप, अगर खून की कमी है तो राग पीलू, अगर याददाश्त तो राग शिवरंजनी, अगर कमजोरी फिजिकली या मेंटली किसी भी तरह से, तो वहाँ पे राग जयवंती का प्रयोग करेंगे, और इस तरह से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। जैसा कि हम स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है ना। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में। तो इसी माध्यम से ये वीडियो आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ कि आपको अगर इस लाभ लें, संगीत का बहुत महत्व है दोस्तों, संगीत को अपनाएं, खासतौर से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत भारत का, और यह मानसिक रूप से आपको बहुत आनंदमय देगा। और जब आप मानसिक रूप से आनंद में रहेंगे तो आपका शरीर कितनी भी परेशानियों में हो, कुछ क्षण के लिए उन परेशानियों को दूर होके, कुछ लोग नशा बढ़ रहा है दोस्तों तनाव के कारण, है ना। तो नशा को रोकने के लिए हम इसका एक ये बेहतरीन उपाय है शास्त्रीय संगीत। संगीत का हम लाभ लें और अपने आप को, अपने आसपास, अपने परिवार को स्वच्छ रखें, तनाव मुक्त रखें, और अपने राष्ट्र निर्माण में सहायक हों। जय हिंद दोस्तों, प्रणाम।